करो, बंद करो, बंद करो। अभी हम मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह की गिरफ्तारी की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार 4 अक्टूबर को लंबी पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। हम कुछ कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि ये सिर्फ ये मोदी जी की सिर्फ बौखलाहट दिखाती है, जो आम आदमी पार्टी के बढ़ती हुई लोकप्रियता राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर ये दिखाता है मोदी जी का, ये मोदी जी का खौफ है। हम डरने वाले नहीं, हम ईडी सीबीआई। मैं तो एक ही मांग करता हूं कि संजय भाई को रिहा करो। संजय भाई को गलत तरीके से पकड़ा गया, हमारे लोगों के पीछे गलत तरीके से सीबीआई ईडी लगाई जाती है। ये मोदी की एक हार है, ये बहुत बड़ी हार है कि सच्चे इंसान को जेल में डाल रहा है। अरे बेईमान इंसानों को जेल में डालो तब पता चले, बीजेपी कांग्रेस के लोग क्यों नहीं डालते जेल में, वो भी तो भ्रष्टाचारी है। हमने तो एक रुपये भी नहीं मिलता फिर भी ये जेल में डालते हैं। ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र की तानाशाही है और इसका भी से घड़ा भरेगा, एक दिन वो भी नष्ट होंगे। देखिए लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करते नजर आए। देखो संजय सिंह को जो गिरफ्तार किया है वो गलत है। आज बीजेपी में इतने भ्रष्टाचारी है, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल के और स्वच्छ हो जाता है, उनके सारे गुनाह दूर हो जाते हैं। हमारे आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए जो मोदी ने षड्यंत्र रच रखा है वो षड्यंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मोदी को पता है इस चीज का। आप देखिए ये मोदी सरकार की तानाशाही है। मोदी जी को बहुत डर लग रहा है आम आदमी पार्टी से, इसलिए संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि मोदी सरकार का ये है कि कोई भी अन्याय के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर वो अपनी जो बिकाऊ एजेंसियां हैं ईडी सीबीआई उनको लगा देंगे। ये मोदी जी को डर सता रहा है कि 2024 में हम लोग हार रहे हैं, इसलिए वो जो निष्पक्षता के साथ में जनता की आवाज को रखते हैं, उनकी आवाज को दबाते हैं और उनको गिरफ्तार करवाते हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है, कुछ महिला कार्यकर्ता है उसे जान। ये किसी भी तानाशाह सरकार का अंत है, उसकी शुरुआत है। जब जब बीजेपी डरती है, सच्चाई से डरती है और कुछ और स्टेप लेने में नाकामयाब होती है, तब तो वो ईडी और पुलिस का सहारा लेती है। उनको पिछले 15 महीनों से कुछ मिला नहीं है और मिलेगा भी नहीं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर सड़क के सामने अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ईडी सीबीआई होता है,